हेलो एवरीवन। सो जल्दी से जल्दी बताओ, आपको आवाज क्लियर है? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। यस हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। जल्दी से जल्दी जो भी आप स्टूडेंट जहाँ पे भी ये क्लास शेयर करते हैं तो फटाफट क्लियर शेयर कर दो ये क्लास अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है हमारी। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। मैं 1-2 मिनट वेट करूंगा ताकि बाकी सारे बच्चे जुड़ जाएं, ठीक है? क्योंकि तो हमारी मैराथन क्लास होती है, मैराथन क्लास में मैं 1-2 मिनट जरूर वेट करता हूँ। यस आई थिंक आपने जो है, आप लोगों ने कल वाली मैराथन क्लास भी देखी होगी, ठीक है? और आप कहेंगे कि जो है विपिन सर को क्या हो गया है कि लगातार 2 मैराथन, ठीक है? यस लगातार 2 मैराथन। और क्योंकि एग्जाम बहुत नियर हैं, बहुत एग्जाम आने वाले हैं, बहुत एग्जाम हैं, पेपर हैं, ठीक है जी? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग टू ऑल, गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। तो गाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं हमारा साइंस का जो है एमसीक्यू मैराथन क्लास। बहुत सारे एग्जाम हैं आपके, जो जहां पे आपको जो साइंस है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है? अच्छे से आपको पढ़नी है, अच्छे से तैयारी करनी है, ठीक है? तो क्वेश्चन जितने आपको आते हुए, तो कोशिश ये करना कि आप आंसर दें, मेरी एक्सप्लेनेशन सुनते रहना, लेकिन कोशिश ये करनी है आपको कि आप जो है इस चीज का आंसर खुद दें, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज सेशन है हमारा मैराथन सेशन साइंस एमसीक्यूज, और इस क्लास को लेके आ रहा हूं मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। आगे बढ़ते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो कोर्स है यूपीएससी का वो परचेज कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे यूपीएससी के लिए, जो बैचेस है बहुत सारे लॉन्च हुए हुए हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लासेस, मतलब बैचेस हैं, तो आप कोई भी बैच ले सकते हैं उसमें से। अगर आप बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप एक कोर्स अवेल कर सकते हैं। हमारी इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, आपको कोड यूज करना है VIP लाइव। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो आपको ये कोर्स 17,499 रुपीज में मिल जाएगा, अगर आपको कोड यूज करेंगे VIP लाइव, ठीक है? इसमें जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस, 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रॉपर तरीके से जो टीचर्स हैं आपको गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, और मेंटोर्स आपको बताएंगे किस तरीके से चीजें आपको हैंडल करनी है, एग्जाम का प्रेशर, ये वो सब चीजें जो आपके एक सीरियस कैंडिडेट के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, क्लियर? लेकिन ये तो है ही है, हमारा यूपीएससी के लिए प्री प्लस मेंस का कोर्स है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप लोग प्री आपने तैयारी कर ली है, जब तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, उस एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए आपको मेरा पेड कोर्स जो है 10,000 MCQ कोर्स आप ले सकते हैं। इस कोर्स के अंतर्गत हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, चाहे वो आपके ये साइंस के ही हो, ठीक है? पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जितने भी हैं, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू डिस्कस किए हैं डिटेल में यहाँ पे। और इस कोर्स का जो प्राइस है सिर्फ और सिर्फ कल रात 12 बजे तक 999 का है, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे है। इंडिपेंडेंस डे 75 साल हमारे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम लोग, तो 999 का ये कोर्स आपको मिलेगा VIP फ्लैश, इसमें कूपन कोड यूज करना। तो ये 1 साल के लिए आपको जस्ट 999 रुपीज में आपको ये कोर्स मिल जाएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, क्लियर? तो याद रखना, तो ये कोर्स जो है कल रात 12 बजे तक 999 में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। और ये कोर्सेज आप कहां से लेंगे? स्टडी IQ ऐप पे या हमारी वेबसाइट studyiq.com। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना 10,000, तो आपको मेरा कोर्स नजर आ जाएगा। फिर भी नजर ना आया, बेस्ट सेलिंग कोर्स में दिखेगा, और यहां पे जस्ट लॉन्च का बटन होगा, वहां पे भी आपको कोर्स नजर आ जाएगा। मॉक टेस्ट हमारे होते हैं, मॉक टेस्ट हमारे 10,000 MCQ कोर्स में होते हैं। इसमें लेवल थोड़ा सा हाई लेवल चीजें मैं करवाता हूं, तो आप देखना इस चीज को, क्लियर? बाकी जो भी अपडेट्स होते हैं क्लासेस के रिगार्डिंग, पेड कोर्सेज की जानकारी, PDF वगैरह लेक्चर्स की, तो यहाँ पे आपको मिलती है। मेरे साथ यहाँ पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। फेसबुक के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्लियर? कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, पूछ सकते हैं आप मुझसे। और ईमेल आईडी है ये,
अगर पेपर होता है, कोई एग्जाम होता है, मुझे यहां पे सेंड कर सकते हैं। नाउ द फोकस ऑन द क्लास आंसर, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है आप लोगों को कि फटाफट का आंसर दीजिए, ठीक है। और कल रात 12 बजे तक जो 10,000 एमसीक्यू कोर्स को परचेज करने की जो मतलब लास्ट डेट है, जहां आप ऐसे कह सकते हैं कि 999 में कल रात 12 बजे तक ही आपको ये कोर्स मिलेगा, फिर उसके बाद ये कोर्स नहीं मिलेगा आपको 999। यस, चलिए जी, चलिए आंसर दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज इज कॉज्ड बाय द विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए डेफिशिएंसी के कारण जो है आपकी इनमें से कौन सी बीमारी होती है। पहली बात तो मैं विटामिन की अगर मैं बात करता हूं तो विटामिन वर्ड हमें किसने दिया है, फंक ने हमें बताया था, क्लियर। विटामिन दो तरीके के होते हैं, वाटर सॉल्युबल, वो होते हैं आपके बी और सी, क्लियर, और एक होते हैं फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल होते हैं ए डी ई और के, तो दीज आर द फैट सॉल्युबल। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। विटामिन ए का जो साइंटिफिक और केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल, दैट इज रेटिनॉल, क्लियर। और इसकी कमी से दो रोग होते हैं, वन इज द नाइट ब्लाइंडनेस जिसे हम रतौंधी कहते हैं, रात को दिखना बंद हो जाता है, क्लियर, वन। दूसरा जीरो ऑप्थैल्मिया, जीरो ऑप्थैल्मिया का मतलब ये होता है कि आंखें ड्राई हो जाती हैं, आंखें सूखी पड़ जाती हैं। जीरो वर्ड हमेशा हम ड्राई के ऊपर यूज करते हैं, जीरो ऑप्थैल्मिया, ऑप्थैल्मिया मतलब आईज, क्लियर, तो ये याद रखना। सो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस इज द राइट वन, क्लियर। रिकेट्स की अगर मैं बात करता हूं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन के नाम से भी जानते हैं, कैल्सीफिरोल के नाम से भी इसको हम जानते हैं, कैल्शियम कंटेनिंग विटामिन है ये वाला। स्कर्वी रोग की अगर मैं बात करता हूं, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन सी जो होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है आपका, और इसमें स्कर्वी में क्या होता है, जो मसूड़े होते हैं ना, दांत मसूड़े यहां पे, क्लियर, मसूड़ों में जो है यहां से ब्लड निकलने लग जाता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, ये याद रखना। आंसर नंबर सी, नाइट ब्लाइंडनेस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। चलिए अगला आंसर बताइए, बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन बताइए। च्युइंगम इज मेड अप फ्रॉम, जो च्युइंगम होती है ये किस चीज की बनी होती है, जो च्युइंगम होती है, च्युइंगम ये किस चीज की बनी होती है। च्युइंगम में तीन चीजें होती हैं, एक होता है रेजिन, एक होता है वैक्स, एक होता है इलास्टोमर्स। ये तीन चीजें देखने को मिलती है, रेजिन, क्लियर, वैक्स, यस, और इलास्टोमर, क्लियर। जो रेजिन होता है, ये जो रेजिन पाल वाला पार्ट है आपका, यस जी, रेजिन वाला पार्ट जो है ये च्यूएबल पार्ट होता है, यानी कि इसको हम च्यू कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं वैक्स की बात करता हूं, वैक्स क्या करता है, इस गम को, ये गम वो वाला गम नहीं है, ठीक है, गम को सॉफ्ट कर देता है। इलास्टोमर जो है इसकी फ्लेक्सीबिलिटी को बना के रखता है, फ्लेक्सीबिलिटी को बना के रखता है च्यूइंग गम की। नाउ द पार्ट इज, अब बात करते हैं कि इसमें क्या चीज देखने को आपको मिलती है, किस चीज से बना हुआ है, तो सीधा सीधा आंसर आपका आ रहा है, दैट इज रेजिन। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, क्लियर। लेटेक्स की अगर मैं बात करता हूं, लेटेक्स ऑफ द प्लांट से हम नेचुरल रबड़ को लेते हैं। नेचुरल रबड़ जो आपकी होती है इतनी सॉफ्ट होती है कि हाथ लगाए टूट जाएगी, और इसको स्ट्रांग बनाने के लिए इसमें हम सल्फर को डालते हैं, और सल्फर से ये क्या रबड़ हो जाती है आपकी, स्ट्रांग रबड़ हो जाती है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वल्कनीकरण और वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ के नाम से भी इसको जानते हैं। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, क्लियर। ये टैनिन जो होता है ये फोटोग्राफी इसमें हम यूज करते हैं आप लोग, ठीक है, डाइज वगैरह में भी हम इसको यूज कर लेते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वन, क्लियर जी। सो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, रेजिन इज द राइट वन, रेजिन। चलिए अगला आंसर बताइए, यस, वर्ल्ड वाइड जो है आपकी केरल में, वर्ल्ड वाइड जो है थाईलैंड में सबसे ज्यादा रबड़ मिलती है, और वैसे केरल में देखने को आपको मिलती है इंडिया में जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सिमेट्री ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज का कब्री स्थान कहां पे है, ये आपको वैसे तो सबको पता ही है जी। आरबीसीज का कब्री स्थान जो है ये कहां पे है, यस, आरबीसीज की अगर मैं बात करता हूं, रेड ब्लड सेल्स इसे हम कहते हैं।
रेड ब्लड सेल्स है और ये इन्यूक्लियोटाइड होते हैं जिनमें इनमें न्यूक्लियस बिल्कुल भी नहीं होता। क्लियर, बनते कहां पे हैं? ये बनते होते हैं आपके बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में, लेकिन ये खत्म कहां पे होते हैं? दो ऑर्गन्स में, एक होता है स्प्लीन में और दूसरा लीवर में। समझ आया आप लोगों को? एक स्प्लीन में और एक लीवर में। इनमें से मैक्सिमम खत्म कहां पे होते हैं? दैट इज इन द स्प्लीन, मैक्सिमम। क्लियर, ये याद रखना। और दूसरे नंबर पे लीवर में। सो अब मैक्सिमम स्प्लीन में है और दूसरे नंबर पे लीवर में होते हैं, अगर दोनों ही ऑप्शन पेपर में आ जाते हैं तो आप उसमें टिक करेंगे स्प्लीन को, क्योंकि मैक्सिमम इसमें होते हैं। अगर आपको स्प्लीन ऑप्शन में नहीं आएगा तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा लीवर। अगर आपको पेपर में दोनों ऑप्शन आ जाए और बाद में लिख दे ए एंड बी, तो आपको ए एंड बी के ऊपर टिक करना पड़ेगा। तो यहां पे हम क्या कहेंगे, आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, दैट इज जो है झिल्ली जिसे हम कहते हैं, तिल्ली जिसे हम कहते हैं, स्प्लीन इज द करेक्ट आंसर। स्प्लीन को हम और क्या कहते हैं, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी कहते हैं। ब्रेन की बात करूं, ब्रेन से जो नर्व स्टार्ट होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है। और क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं, 12 पेयर्स। क्लियर, और जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक लेयर होती है जिसे हम क्या कहते हैं, मेनिंजिस। समझ आया, और ये एक बॉक्स में प्रेजेंट होता है और बॉक्स होता है आपका क्रेनियम। दोनों हमें बाहरी चोटों से बचाते हैं, याद रखना। हार्ट की स्टडी की बात करूं, हार्ट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, सो ये याद रखना। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज स्प्लीन इज द राइट वन। स्प्लीन वाला पार्ट होता है जो कि ब्लड बैंक है, और यहीं पे आपके ये चीजें खत्म होती हैं। चलिए जी, अगला आंसर बताइए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाबाश, अगला आंसर बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्क्रीन के ऊपर हमारे क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, इतने फास्ट आंसर, बड़े तुम लोग जो है, मतलब आई थिंक अच्छी खासी तैयारी कर ली लगती है तुम लोगों ने, इतने फटाफट धड़ाधड़ धड़ाधड़ आंसर। फिश ऑयल इज बेनिफिशियल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, फिश ऑयल जो होती है ये किस चीज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट होती है? देखिए, फिश ऑयल जो है उसके अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं इसमें, ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि हमारी हार्ट की डिजीजेस को हेल्प करने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करते हैं। जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको मतलब हेल्प करते हैं कम करने में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा, फॉर द हार्ट डिजीज, आंसर नंबर क्या बनेगा, ए इज द करेक्ट आंसर। फिश की अगर मैं बात करता हूं, फिश की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इक्टियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, और उनके कल्चर को पालने को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर के नाम से हम जानते हैं। और फिश के लिए रेवोल्यूशन जो हुआ था, दैट इज द ब्लू रेवोल्यूशन। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, हार्ट डिजीज, हृदय रोग के लिए देखने को मिलता है। और इसमें बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, एल्जीमर डिजीज को, एल्जीमर डिजीज जिसे मतलब हम कहते हैं लाइक फॉर एग्जाम्पल भूलने की बीमारी टाइप, क्लियर, मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करते हैं, हार्ट डिजीज को प्रिवेंट करते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स को करेक्ट करते हैं, कोई पर्सन मोटापा है ओबेसिटी को दूर करते हैं, बोन हेल्थ को इंप्रूव करते हैं और एड्स को इंप्रूव करते हैं, इम्यून सिस्टम को बना के रखते हैं, पोस्ट नेटल डिप्रेशन को ठीक करते हैं और जो प्रोस्टेट कैंसर होता है उससे भी जो है क्योर करने में आपको मदद करते हैं ये फिश ऑयल। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। चलिए जी, अगला क्वेश्चन बताइए, व्हाट इज द हाइब्रिड ऑफ एनिमल बॉर्न फ्रॉम द हॉर्स एंड द डंकी, यानी कि मेल हॉर्स, सॉरी फीमेल हॉर्स होती है, फीमेल हॉर्स और जो है मेल डंकी, तो इसमें जो बच्चा पैदा होता है वो कौन सा होता है, एंड दैट इज द म्यूल, उसे हम क्या कहते हैं, म्यूल, म्यूल मतलब खच्चर जिसे हम कहते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी, शाबाश। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की, मैं बार बार कह रहा हूं, कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की, बहुत बढ़िया, म्यूल इज द करेक्ट आंसर, म्यूल, फीमेल हॉर्स एंड द मेल डंकी, एंड क्या बन गया, म्यूल बन जाता है। चलिए जी, अगला आंसर बताइए, बहुत बढ़िया। द एवरेज वेट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज अप्रोक्सीमेटली, जो हमारा वजन है मस्तिष्क का यानी कि ब्रेन का वो कितना होता है, ब्रेन का जो वेट होता है वो कितना होता है आपको देखने को मिलता है। यस,
देखिए अगर मैं एवरेज की बात करता हूं तो 1300 से 1400 ग्राम के बीच में आपका देखने को मिलता है वेट, दैट मींस 1.3 केजी टू 1.4 केजी के आसपास, ये एवरेज वाला पार्ट है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सो इसमें अब आप एक चीज देखिए, आप कहेंगे सर 1.46 भी नजदीक है, 1.36 भी नजदीक है, लेकिन इसमें आंसर क्या बनेगा? 1.36, क्योंकि 1300 से 1400 के बीच में यही चीज है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा? बी इज द करेक्ट आंसर। और मैंने आपको बताया था ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, ब्रेन के तीन पार्ट कौन से हैं? फोर ब्रेन जो अग्र मस्तिष्क होता है, मिड ब्रेन मध्यम मस्तिष्क होता है आपका, क्लियर, और हिंड ब्रेन जो पश्चिम मस्तिष्क होता है आपका, क्लियर। जो हिंड ब्रेन होता है, सॉरी जो फोर ब्रेन होता है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है, सबसे बड़ा पार्ट, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, क्लियर, ये याद रखना। और मिड ब्रेन जो होता है ये आपका क्या होता है? सबसे छोटा पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, और ये दूसरे नंबर पे आता है ब्रेन। दैट मींस फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड देन मिड ब्रेन, ये साइज के मामले में बात कर रहे हैं। तो आंसर नंबर बी 1.36 इज द करेक्ट आंसर, 1.36। चलिए अगला आंसर बताओ, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्लड एक्ट टू प्रोटेक्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन करने में मदद करती है। प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया? हमारे डिफेंस मैकेनिज्म को बना के रखती है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना के रखती है आपके, क्लियर। तो ये सब चीजें, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, डिफेंस को स्ट्रांग बनाना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, ये सारा काम इनका होता है आपका, एंटीबॉडी प्रोडक्शन करना, क्लियर। सो ये प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो वो ऑर्गन कौन सा है आपका, सेल कौन से हैं? दैट इज व्हाइट ब्लड सेल्स। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, केंद्रक जिसे हम कहते हैं, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम, डिफेंस, सब कुछ करते हैं ये। अब बात यहां पे ये आ जाती है कि अगर हम बात करें कि लाइक फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर वर्ड सुना होगा, ये ब्लड कैंसर का मतलब क्या होता है? देखिए कैंसर का मतलब होता है कि अगर सेल जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लग जाए, कोई सेल जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है या अनकंट्रोल्ड माइटोसिस हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं? कैंसर कहते हैं। अब ब्लड सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस कहां पे होता है? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट ब्लड सेल्स में। अगर व्हाइट ब्लड सेल जो है अनलिमिटेड कंट्रोल, अनलिमिटेड टूटने लग जाए, मतलब टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, क्लियर, और टूटते जा रहे, टूटते ही जाएंगे, क्लियर, और कंट्रोल ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कैंसर। सो दैट मींस अनकंट्रोल्ड माइटोसिस ऑफ डब्ल्यूबीसीज इज कॉल्ड ब्लड कैंसर, क्लियर, याद रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। और ब्लड कैंसर को हम और क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया भी कहा जाता है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स, इनको दूसरा नाम कहते हैं। आरबीसीज का काम क्या होता है? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। प्लेटलेट्स का काम होता है हमारी बॉडी में जो ब्लड क्लॉटिंग करना, यानी कि रक्त का थक्का जमाना। हीमोग्लोबिन जो होता है आरबीसीज के अंदर होता है, जिसमें जो हीम पार्ट है उसका मतलब होता है, दैट इज जिसका मतलब होता है रेड कलर प्रोवाइड करना। ग्लोबिन आपका प्रोटीन होता है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपके ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, व्हाइट ब्लड सेल्स इज द राइट आंसर। सो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। एक चीज आपको और बताता हूं, जो ब्लड होता है ये आपको सबको पता है, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संजोजी उत्तक जिसे हम कहते हैं, 7.4 पीएच वैल्यू होती है। इसमें दो पार्ट होते हैं, 55% जो होता है वो प्लाज्मा होता है, जो कि लिक्विड पार्ट है, जो कि लिक्विड पार्ट है, और 45% आपके सेल जो आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स देखने को आपको मिलते हैं, क्लियर। सो ये आपको याद रखना है सारी चीजें। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लियर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, तो याद रखें ये सारा पार्ट। ये प्लाज्मा वाला क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। और अच्छा, पीएच 7.4 है तो ये कौन सा बन गया? एल्कलाइन, एल्कलाइन बन जाता है, क्षारीयपन जिसे हम कहते हैं, क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी स्क्रीन के ऊपर क्या कहता है। बहुत बढ़िया, शाबाश, आंसर दीजिए, आंसर चाहिए, चुपचाप ना मत बैठिए, आंसर चाहिए, कम ऑन, आंसर गाइज, आंसर फटाफट। यस, बहुत बढ़िया। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है।
हमारे बॉडी में से हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन कौन सा, सॉरी हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी कौन सा है हमारा, इनमें से सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट कौन सा है बॉडी के अंतर्गत, हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट क्या है, दांत। दांत का भी कौन सा हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, जिसे हम क्या कहते हैं, इनेमल ऑफ द टीथ कहा जाता है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। इनेमल जो है सबसे हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी देखने को मिलता है, क्लियर। इनेमल की अगर मैं बात करता हूं, सॉरी दांत की अगर मैं बात करता हूं, दांत की, टूथ की, सो दांत की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, क्लियर। दांत बनाने वाले सेल्स को क्या कहते हैं, ओडोंटोब्लास्ट, ओडोंटोब्लास्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट। दांत में आपका कैल्शियम और फॉस्फोरस आपको चाहिए होता है, कैल्शियम फॉस्फेट चाहिए होता है, हाइड्रोक्सी एपिटाइट वगैरह आपको सब चीजें चाहिए होती हैं, ये याद रखना, क्लियर। तो ये क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखने वाला पार्ट है। क्रेनियल बोन्स मैंने आपको बता दी हैं कि मतलब आपके सर की हड्डियां हो गई हैं, बाकी जो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और कितने पेयर होते हैं, वो क्रेनियल नर्व्स के कितने पेयर होते हैं, दैट इज द 12 पेयर्स, क्लियर, याद रखना। और जो स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे, उसके उससे जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स के नाम से जानते हैं, तो ये याद रखें, क्लियर हो गया आप लोगों को, जस्ट ए सेकेंड। So, अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या है, सो यहां पे देखिए जी अगला पॉइंट देखिए जी क्या है, जो नेल्स हैं, नेल्स में आपका एक प्रोटीन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कैरेटिन प्रोटीन, क्लियर। वर्टिब्रेट मैंने आपको बताया था, ये वर्टिब्रेट, क्लियर, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम जो होते हैं 33 होते हैं और फ्यूज होकर 26 रह जाते हैं, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, C7T12L5S5C4, सो दीज आर द फॉर्मूला। लास्ट वाले जो दो होते हैं 5 और ये 4 वाले फ्यूज होके एक एक रह जाता है और 26 रह जाते हैं, क्लियर। सो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी, इनेमल ऑफ द टीथ इज द करेक्ट आंसर, इनेमल ऑफ द टीथ। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, यस, नेल्स में तो है ही है, हेयर्स में भी आपका कैरेटिन प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, इनमें से कौन सी वेव जो है आपकी पोलराइज हो सकती हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी पोलराइज्ड, शाबाश, बहुत बढ़िया, इनमें से कौन सी वेव्स जो हैं आपकी पोलराइज हो सकती हैं, यस, पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, जो वाइब्रेशन होती है, मतलब वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में हो, और एक चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी आपकी पोलराइजेशन होती है वो ट्रांसफर वेव्स की हो सकती है, जितनी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वही आपकी पोलराइजेशन होती है, ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलरली डायरेक्शन में, क्लियर, लॉन्गिट्यूडनल कभी भी नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल मतलब अगर सीधी सीधी लंबी डायरेक्शन में जा रही हैं, लॉन्गिट्यूड जा रही हैं, तो वो कभी भी नहीं होती, क्लियर, ये याद रखना। तो इसमें से अगर मैं साउंड वेव्स की बात करता हूं, तो साउंड वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल है, ये नहीं हो सकती, यहां पे वेव्स आ रही हैं स्ट्रिंग के ऊपर ट्रांसवर्स वेव्स, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि साउंड वाली बात आ रही है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है आपकी ये भी नहीं हो सकती, साउंड वाली बात है, तो यहां पे जो सिर्फ और सिर्फ लाइट वेव्स जो होती हैं आपकी, ये आपकी क्या हो सकती है, पोलराइज हो सकती हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, नॉट सी ऑप्शन, क्लियर जी, आंसर नंबर डी, क्लियर हो गया आप लोगों को, लॉन्गिट्यूड वेव्स कभी भी नहीं हो सकती, और लाइट वेव्स पोलराइज इसीलिए हो रही है क्योंकि वो ऑसिलेट करती है मोर देन वन डायरेक्शन में, दैट्स व्हाई जो पोलराइजेशन होती है वो एक ही डायरेक्शन में लेके जाता है, और ये पोलराइजेशन सिर्फ लाइट वेव्स की होती है, क्लियर हो गया आप लोगों को जी, आंसर नंबर डी, यस, एग्जामिनर ऐसे ही गलत करवाता है आप लोगों से पेपर में क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू द, जो स्काई है वो नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, ये सबको पता है कि स्कैटरिंग के कारण देखने को आपको मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर सिंगल कलर आएगा, स्काई कलर, द स्काई कलर इज ब्लू, द ओशन कलर इज ब्लू, द रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ द लाइट, लेकिन एक इसमें स्कैटरिंग कौन सी होती है, रेले स्कैटरिंग होती है, रेले स्कैटरिंग, रेले स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है आपका, रेले स्कैटरिंग का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ द लाइट इन ए मीडियम, अगर एक मीडियम में स्कैटरिंग हो रही है विदाउट चेंज इन द वेवलेंथ, अगर एक मीडियम से होके लाइट्स जा रही है, स्कैटर्ड हो रही है, लेकिन उसकी वेवलेंथ चेंज नहीं हो रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेले स्कैटरिंग कहा जाता है, याद रखना। स्काई अपीयर्स ब्लू ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ब्लू कलर जो होता है वो ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है रेड के वजह, इसी कारण जो है हमें स्काई हमेशा क्या दिखता है, ब्लू दिखाई देने को मिल जाता है, क्लियर। और रेलेक्स स्कैटरिंग में क्या होता है, जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होती है ना,
अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग, क्लियर, वो किसके बराबर होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द फोर, मतलब फोर्थ प्रोपोर्शनल, मतलब उसकी वेवलेंथ की प्रोपोर्शनल फोर, जी फोर्थ पावर ऑफ द वेवलेंथ, क्लियर हो गया आप लोगों को। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनने वाला है आपका, यस आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रेलिक स्कैटरिंग इज द राइट आंसर, क्लियर, रेलिक स्कैटरिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलिक स्कैटरिंग, व्हाई द स्काई इज कलर, मॉलिक्यूल्स इन ब्लू स्काई एंड रेड सनसेट, ऐसा क्यों होता है, अगेन शॉर्टर वेवलेंथ ब्लू वायलेट कलर की ये स्कैटर इजिली हो जाती है, सनसेट के टाइम पे मोर स्कैटरिंग होती है, ऑरेंज से रेड कलर कलर आने लग जाता है, सो ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेलिक स्कैटरिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखना है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, ए स्प्लिट सनलाइट जो है आपकी सात कलर में डिवाइड कर जा रही है, उसे किस चीज का फिनोमिना कहते हैं, जब भी सेवन कलर का फिनोमिना आता है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट कहा जाता है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, क्लियर, और ये हमेशा हमें देखने को मिलती है प्रिज्म में, क्लियर, याद रखना। अब एक चीज देखिए, जब भी पेपर में सिंगल कलर आएगा, सिंगल कलर का फिनोमिना आएगा आपका, तो स्कैटरिंग ऑफ द लाइट हो जाएगा, ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सेवन कलर का फिनोमिना, तो वो डिस्पर्शन आ जाएगा। अगर चीज हमें दिख रही है कि ऐसे है और वो वहां पे एग्जैक्ट नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल आपको लगता है जैसे रेगिस्तान में आप जाएंगे, दूर से आप देखेंगे ना, आपको लगेगा कि पानी वहां पे है, आपने जैसे आप सड़क पे जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, गाड़ी में बैठे हैं, तो आपको गाड़ी में बैठे बैठे धरती के ऊपर यानी कि रोड के ऊपर आपको क्या दिखेगा, हल्का सा ऐसे ड्रॉपलेट्स दिखेंगे कि हाँ, मतलब ड्रॉपलेट्स इन द सेंस कि आपको लगेगा कि पानी है या कुछ उड़ रहा है धरती से, वो क्या होता है, जब भी लाइट बेंड होती है आपको वो हमें देखने को मिलता है रिफ्रैक्शन, वो लाइट बेंडिंग होना होता है कि जो चीज हमें दिखती है कि वहां पे है लेकिन वहां पे वो है नहीं, दैट इज बेंडिंग हो रही है लाइट, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, क्लियर, याद रखना। एक पार्ट और है कि जहां पे चीज शाइनिंग की बात आ गई, चमक रही है चीज, कोई शाइन की बात आ जाती है, तो वहां पे आपका फिनोमिना आ जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिना आ जाता है, क्लियर हो गया आप लोगों को, जी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी यहां पे देखिए जी, कॉनकेव लेंस हमेशा यूज किया जाता है शॉर्ट साइटेडनेस में, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नजदीक निकट दृष्टि दोष, क्लियर, मायोपिया वगैरह में नजदीक की चीजें दिख जाती हैं, दूर की चीजें हमें नहीं दिखती। कॉन्वेक्स लेंस की अगर मैं बात करता हूं तो ये हमें दिखती है लॉन्ग साइटेडनेस में, दूर की चीजें हमें दिखती हैं, नजदीक की चीजें हमें नहीं दिखती, क्लियर। और कॉन्वेक्स लेंस आपका बता दूं मैं, हाइपरमेट्रोपिया में हम यूज करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया में, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। कॉनकेव मिरर जैसे डेंटल मिरर होता है डॉक्टर्स के पास, क्लियर, डॉक्टर्स के पास जो भी मिरर होता है वो आपका कॉनकेव मिरर होता है, याद रखना। आंसर नंबर सी दैट इज प्रिज्म इज द करेक्ट आंसर, प्रिज्म। देखिए जी, सात कलर का फिनोमिना आ गया पेपर में, ये हमेशा आता है, कौन सी लाइट जो है ज्यादा डिविएट हो रही है, कौन सी कलर की लाइट लेस डिविएट हो रही है, रेड कलर जो होता है लेस डेविएशन होती है, मैक्सिमम डेविएशन होती है वायलेट कलर की लाइट की, ऐसा क्यों होता है, रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है जिसके कारण डेविएशन उसकी कम होती है, वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी मिनिमम होती है जिसके कारण जो डेविएशन है वो आपकी मैक्सिमम देखने को आपको मिलती है, सो दीज आर द पॉइंट्स, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है जी, इनमें से एम्पलीफाइंग एजेंट जो है आपके कौन से देखने को मिलते हैं, एम्पलीफाइंग एक क्वेश्चन शायद चेंज हो गया, ओके सो क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, साउंड वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड बिकॉज दे आर, मैंने आपको अभी बताया था कि साउंड वेव्स पोलराइज क्यों नहीं होती, जी साउंड वेव्स पोलराइज क्यों नहीं होती, साउंड वेव्स पोलराइज क्यों नहीं होती, वाई, क्योंकि दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, अभी हमने डिस्कशन करा था, और पोलराइजेशन जो होती है वो हमेशा होती है ट्रांसवर्स वेव्स के अंतर्गत देखने को मिलती है, जैसे कि आपकी लाइट वेव्स की बात करते हैं, तो बिकॉज दे आर द लॉन्गिट्यूडनल, जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं इसी के कारण जो है ये पोलराइज नहीं होती, क्लियर, आंसर नंबर बी इज द राइट वन, आंसर नंबर बी। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, एम्पलीफाइंग एजेंट इनमें से कौन सा है, एम्पलीफाइंग डिवाइस कौन सी देखने को आपको मिलती है यहां पे, क्लियर। ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करता हूं तो आपको पता होगा लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज,
हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ये आपका करंट मतलब कन्वर्ट करने में ट्रांसफार्मर जो है आपका हेल्प करता है। क्लियर, ये सबको पता है, लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज एंड हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज में कन्वर्जन करने में हेल्प करता है। डायोड वो होता है जब भी करंट को एक सिंगल डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए आपका मदद करता है, वो डायोड होता है। क्लियर, कैपेसिटर वो होता है आपका, कैपेसिटर वो होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है आपका स्टोर करके रखता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो है स्टोर करके रखता है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत, वो कैपेसिटर होता है। लेकिन जो एम्पलीफाइंग डिवाइस है, यानी कि चीज को एम्पलीफाई करता है, बढ़ाके करता है, और वो होता है आपका ट्रांजिस्टर। क्लियर, सो आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन, ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर जी, स्विचिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ये स्विचिंग डिवाइस की तरह भी यूज होता है, एम्पलीफाइंग डिवाइस की तरह भी ये यूज होता है। क्लियर, ट्रांजिस्टर इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताओ, इनमें से कौन सा पार्ट जो है आपका करेक्ट नहीं है। यस, शाबाश, इनमें से कौन सा पार्ट जो है आपका करेक्ट नहीं है। यस बताइए, शाबाश, बहुत बढ़िया, इनमें से कौन सा पेयर जो है आपका करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट पेयर है आपका। नंबर वन, परसेक की अगर मैं बात करूं, डिस्टेंस के यूनिट है, ये बिल्कुल सही है आपका। परसेक क्या होता है, 1 परसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। क्लियर, लाइट ईयर का मतलब क्या होता है, लाइट ट्रेवल्ड इन ए वन ईयर इज कॉल्ड दैट इज लाइट ईयर। लाइट ट्रेवल करती है विद द स्पीड ऑफ सन लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड से अगर ट्रेवल करे। और लाइट ईयर कितना बराबर होता है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 × 10⁵ मीटर, या फिर 9.46 × 10⁻¹² किलोमीटर का जो डिस्टेंस होता है, ये आपका लाइट ईयर का होता है। क्लियर, और दूसरा पॉइंट देखिए जी, इनकरेक्ट पूछ रहा था ये, दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, बैरल यानी कि लिक्विड, बिल्कुल बैरल लिक्विड का पार्ट होता है। लाइट ईयर टाइम का यूनिट होता है, गलत, टाइम का तो आपका सेकंड होता है, और लाइट ईयर आपको मैंने बता ही दिया डिस्टेंस का होता है। समझ आया, सो ये तीसरा गलत है, तो इनकरेक्ट पूछा था तीसरा, ओनली 3, सो आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। समझ आ रहा है तुम्हें, समझ आ रहा है ना, यस, आंसर नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है आपका, ये क्वेश्चन में बहुत आता है पेपर में। यस, चारकोल को हम यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, पानी को शुद्ध करने में, और ये किस तरीके से यूज किया जाता है, ये किस तरीके से यूज किया जाता है, वहां पे ये क्या करता है, जितने भी वॉलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके एनिमल्स के प्रोडक्ट्स, वेजिटेशन के प्रोडक्ट्स, उनको रिमूव कर दिया जाता है। सो चारकोल को यूज करते हैं वाटर ट्रीटमेंट में, बिकॉज इट एक्ट एज ए एड्सॉर्बेंट। क्लियर, आंसर नंबर डी, बिकॉज इट एक्ट एज ए एड्सॉर्बेंट, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, एड्सॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, आंसर नंबर डी। कोएगुलेंट वो होते हैं जो चीज को जोड़ने में मदद करते हैं, जैसे कि ब्लड की मैं बात करता हूं, रक्त का थक्का जमाना वो कौन करता है, विटामिन के करता है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन जो है, प्लेटलेट्स, कैल्शियम, ये सब करते हैं आपके ब्लड कोएगुलेंट करते हैं, आंसर नंबर डी, बिकॉज इट एक्ट एज एड्सॉर्बेंट, जिसके कारण जो है वो सारी जो चीजें होती हैं पॉल्यूटेंट्स वगैरह बाहर निकल जाते हैं पानी से। चलिए अगला आंसर बताइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बोन जो है फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं, बिकॉज इसके अंतर्गत जो है प्लांट न्यूट्रिएंट का एक पार्ट होता है, वो कौन सा पार्ट है। अब आप एक चीज देखिए, जो हड्डियां हैं, हड्डियों में दो चीजें होती हैं, कैल्शियम और फास्फोरस, मेन जो हम बात करते हैं। जो फर्टिलाइजर होता है, फर्टिलाइजर में तीन चीजें होती हैं, एनपीके हम बात करते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। तो इसमें क्या बन गया, इनमें कॉमन क्या हो गया, फास्फोरस हो गया, तो दैट मींस इसमें क्या कॉमन होगा, फास्फोरस, जिसके कारण जो है हमें हड्डियां जो है फर्टिलाइजर के रूप में हम यूज कर सकते हैं। इसमें बच्चे आप लिख रहे हैं कैल्शियम, कैल्शियम फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता, पॉइंट समझ आया, कैल्शियम फर्टिलाइजर में यूज नहीं होता, फर्टिलाइजर में एनपीके होते हैं, याद रखें, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस और होता है, जिसके कारण फास्फोरस दोनों में कॉमन हो गया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, आंसर नंबर बी। ऐसे नहीं जल्दबाजी में बस ए आंसर लिख दो, बी आंसर लिख दो, सी आंसर लिख दो, क्या कर रहे हो तुम लोग, थोड़ा सा क्वेश्चन दिमाग लगाओ, तुम मेरे स्टूडेंट हो, ठीक है,
कोई ऐसा नहीं है कि कहीं से आगे हो जिसमें चलता रहता है, अच्छा बताओ बेटा ए आएगा या बी आएगा, अच्छा सर ए आएगा, ये अरे गलत कर दिया आपने तो बी आएगा, ऐसा नहीं है यहाँ पे। आपको पता है यू आर माई स्टूडेंट, क्वेश्चन को ध्यान से समझो पहले कि क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका पोस्टमार्टम तुम करते हो आधे, बाद में मैं करता हूं, क्योंकि तुम चीजें सीख चुके हो कि हाँ सिखानी, मैंने सिखा दिया है आप लोगों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, कि हाँ पढ़ना कैसे है। आंसर दो इसका, समझ आया क्या करी आ रहे हो तुम लोग, गलत करी आ रहे हो, समझ आया। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फॉस्फोरस इज द राइट वन। बोन्स की अगर मैं बात करूं, बोन्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है, समझ आया। फर्टिलाइजर के लिए कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, ग्रे रेवोल्यूशन देखने को आपको मिला था, फॉस्फोरस मैंने आपको बता दिया, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बट थोड़े बहुत पॉइंट हम और भी पढ़ेंगे, जैसे कि नाइट्रोजन की मैं बात करूं, जैसे लेज वगैरह के पैकेट होते हैं ना, उसमें एक गैस होती है जिसमें वो लेज वगैरह को प्रिजर्व करके रखता है, एंड दैट इज द नाइट्रोजन, क्लियर। सोडियम की बात करें, सोडियम और पोटेशियम NaNK, ये दोनों क्या करते हैं हमारी बॉडी में, ये हमारी बॉडी दोनों क्या करते हैं, एसिड बेस बैलेंस करके रखते हैं, कंडक्शन में हेल्प करते हैं, बॉडी कंडक्शन में आपको हेल्प करते हैं, क्लियर। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मसल कॉन्ट्रेक्शन में मदद करते हैं। कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम हमारी हड्डियों के लिए चाहिए, ये भी मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी चाहिए होता है, मसल की कॉन्ट्रेक्शन ये भी करते हैं। आंसर नंबर बी इज द राइट वन, फॉस्फोरस। चलिए अगला आंसर बताइए, पता नहीं क्या करी जा रहे हो यार तुम लोग, हैं क्या मतलब, कभी ए लगा देते हो कभी बी लगा देते हो, क्वेश्चन देखते भी हो तुम लोग, जब बस ऐसे देखते हो कि आज हमने साइंस की क्लास ले ली और बस हमने तो ऐसे करना है, पीडीएफ नहीं दूंगा मैं, ये सोच लो अगर आंसर ऐसे देने हैं, अगर ऐसे देने तो जाओ यहां से, क्वेश्चन को समझ के आंसर दो पहले, देखा करो कि क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फिर आंसर दो यहां से। क्वेश्चन देखिए जी क्या है, अब तुम्हारे लगेंगी कोबरा, भेजूं कोबरा आपके पास, पता लग जाएगा कि क्या होगा। कोबरा इज अ पॉइजनस वन, देखा नहीं आप लोगों ने, मूवीज में भी दिखाते हैं कोबरा, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तुम्हें पता ही नहीं है। जो नॉन पॉइजनस स्नेक होता है ना वो होता है पाइथन, पाइथन आर द नॉन पॉइजनस स्नेक। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यस। अच्छा एक बच्चा कह रहा है क्वेश्चन का लेवल अप करो, बेटा पहले अपना लेवल अप करो, क्वेश्चन का लेवल फिर अप होगा, पहले अपना कर लो। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, पाइथन इज द राइट वन, क्लियर। कोबरा जो है ये एक ऐसा है, ये नेस्ट भी बनाता है, मतलब घोंसले जिसे हम कहते हैं वो भी बनाता है ये। आंसर नंबर डी पाइथन, तभी आपने देखा नहीं जब मूवीज चलती है ना, ये सांपों वाली पुरानी मूवीज चलती हैं, श्रीदेवी टाइप वाली, ठीक है, वो कहां से निकल के आता है, एक गुफा से निकल के आता है, गुफा मतलब वो अपने घोंसले से निकल के आता है, तो मिलता है फिर आपको। चलिए आंसर नंबर क्या बनेगा जी आपका, डी इज द करेक्ट आंसर, नॉन पॉइजनस, ये होता है नॉन पॉइजनस पाइथन। चलिए अगला आंसर बताइए, क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है। एम्फीबियंस मींस, एम्फीबियन का मतलब होता है ये जब बच्चा होता है, मतलब जब बच्चा होता है यानी कि युवा अवस्था में, तो ये पानी के अंदर रहता है, जैसे ही अडल्ट हो जाता है ये क्या होता है आपका, अडल्ट होने में, अडल्ट ये क्या कर रहे हो तुम यार, पढ़ लो है, पढ़ लो यार तुम लोग, अडल्ट होता ही तो ये क्या आ जाता है, धरती के ऊपर आ जाता है, पॉइंट समझ आया। सो एम्फीबियन का मतलब क्या हो गया आपका, टू लाइफ्स, मतलब पहली लाइफ पानी में और दूसरी लाइफ मतलब जिंदा होके वाली लाइफ नहीं, मतलब लाइफ का एक फेज पानी में और लाइफ का एक फेज पानी के बाहर लैंड के ऊपर, क्लियर। जैसे कि अगर मैं बात करूं फ्रॉग की, सैलामेंडर की, सो ऑल दीज आर द एम्फीबियंस, क्लियर हो गया। टोड्स, यस, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी जी, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, टू लाइव्स इज द राइट वन, क्लियर। ये हैं जी आपके कौन, एम्फीबियंस। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम में पूछ ले तो वो कौन है, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। चलिए अगला आंसर बताओ अगला आंसर बताओ जी, शाबाश, बढ़िया। द विटामिन नेसेसरी फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज,
जो ब्लड कोएगुलेशन में आपका वाइटामिन होता है वो कौन सा जरूरी होता है, ब्लड को क्लॉट करने में, कोएगुलेट करने में, जोड़ने में, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा हेल्प करता है, एंड दैट इज द वाइटामिन के। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाइटामिन के इज कॉल्ड फाइलोक्विनोन और फिलोक्विनोन, इसे हम कहते हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोएगुलेशन में चार चीजें काम करती हैं, दो तो आपके प्रोटीन आपको चाहिए होते हैं, प्रोटीन होते हैं प्रोथ्रोम्बिन, और एक होता है फिब्रिनोजन, समझ आया। और इन दोनों में जो कंपल्सरी होता है वो होता है फिब्रिनोजन, कंपल्सरी वाला, समझ आया। सो दिस इज कंपल्सरी प्रोटीन, दैट इज फिब्रिनोजन, दिस इज द कंपल्सरी प्रोटीन, क्लियर। और इसके अलावा कैल्शियम आपको चाहिए होगा, और क्या चाहिए आपको, वाइटामिन के चाहिए, मैंने आपको बता ही दिया, आंसर नंबर सी। वाइटामिन बी तो कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन वाइटामिन बी वन याद कर लो, वाइटामिन बी वन को थियामिन कहते हैं, और इसकी कमी से क्या हो गया, बेरी बेरी रोग हो जाता है, क्लियर। वाइटामिन सी की अगर मैं बात करूं, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मैंने अभी आपको बताया था। वाइटामिन ई की अगर मैं बात करता हूं, वाइटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफिरोल, ठीक है, और ब्यूटी विटामिन इसे हम कहते हैं, क्लियर। आपने जितने भी लेडीज के प्रोडक्ट्स देखे होंगे घर घर में उठाना, बहन भाई, भाई तो नहीं कहूंगा मैं, बहन का, सिस्टर का, वही हो गया, ठीक है, मदर, कुछ भी प्रोडक्ट यूज करते, हल्की सी क्रीम भी लगाती है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कई लोग करते हैं कई लोग नहीं करते, हल्का सा भी कोई क्रीम भी लगाता है ना फेस के ऊपर, उसके कोई भी प्रोडक्ट है उसमें लिखा होगा विटामिन ए रिच, सौंदर्य से भरपूर, लेकिन सौंदर्य पता नहीं है ये ऐसे लिखते हैं, ठीक है, मतलब होता होगा लेकिन, बट अदरवाइज इट्स नेचुरल। और विटामिन ई जो होता है ना, वो जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स होती है ना, दे आर द सोर्स। ग्रीन वेजिटेबल पियो, खाओ ये जो है जूस पियो, तुरंत गोरे हो जाओगे आप लोग 100%, क्लियर। तो ये विटामिन ई है, क्लियर। अब ऐसा मत कहना कि सर आप भी पीते हैं, नहीं, ठीक है। सो आंसर नंबर क्या बनेगा जी इसका, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, विटामिन ई की अगर मैं बात करता हूं, इसको हम एंटी स्टराइल विटामिन भी कहते हैं, जाने कि ये स्टरलिटी को खत्म करता है। स्टरलिटी का मतलब क्या हो गया, स्टरलिटी का मतलब जो बच्चा पैदा ना होने की संभावना, जिसे हम कहते हैं स्टराइल कहते हैं उसको, और अगर ये विटामिन खा ले, विटामिन ई खा ले, तो स्टरलिटी की प्रॉब्लम खत्म हो सकती है, क्लियर। तो ये याद रखना। चलिए जी, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी, विटामिन के इज द करेक्ट आंसर, विटामिन के। ये जो बीच में मैं थोड़ी बहुत बातें इधर उधर की करता हूं ना, वो रीजन होता है कि ये क्वेश्चन आप कभी नहीं भूलोगे, और जब पेपर में आपको देखोगे ना ये क्वेश्चन, आपको हंसी आ जाएगी ये बात याद करके कि सर ने ऐसे याद करवाया था, ठीक है। कुछ चीजें याद करवाने के लिए होती हैं, माहौल बनाने के लिए नहीं। माहौल तो हमारा पहले ही बना होता है कि भाई क्वेश्चन है आज और पोस्टमार्टम करना है, ठीक है, तो ये माहौल तो बना रहता है। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को कैसे मैंने याद करवाया वो याद रखो, सर ने किस तरीके से बात करी, किस तरीके से बोला, वो हमेशा आपके दिमाग में अब रहेगा कि आप नहीं भूलोगे विटामिन ई, कभी नहीं भूलोगे। चलिए जी, बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड। जो बाइल जूस होता है ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, बाइल जूस। पहली बात तो बाइल जूस में क्या होता है, दो पिगमेंट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये पिगमेंट होते हैं जिसके कारण येलोइश कलर आ जाता है। इसके अंदर, बाइल जूस के अंदर कोलेस्ट्रॉल वाला पार्ट भी होता है, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, पॉइंट समझ आया। और ये बाइल जूस आता कहां से है, ये आता है लीवर से। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लीवर से, यकृत से आता है। लेकिन जो एक्स्ट्रा बाइल होता है ना, एक्स्ट्रा बाइल जूस होता है, वो आपका गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। गॉल ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, याद रखें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, याद रखें। लीवर के बारे में बात करूं, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है, अगर ये खराब हो जाए दोबारा बनने की शक्ति इसमें। यूरिया यहां से बनता है आपका, ग्लाइकोजन जो है यहां पे स्टोर होता है आपका, हेपरिन प्रोटीन जो होता है ये ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता शरीर के अंदर, लीवर में बनता है। फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है आपका, ये ब्लड क्लॉटिंग करवाता है, रक्त का थक्का जमाता है, शरीर के बाहर जमाता है, ये भी लीवर से प्रोड्यूस होता है, क्लियर। गॉल ब्लैडर मैंने आपको बता ही दिया। किडनी की अगर मैं बात करूं, किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक किडनी है, किडनी में एक छोटे छोटे सेल्स होते हैं, वो होते हैं नेफ्रॉन, क्लियर। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और यहां पे ब्लड प्लाज्मा जो होता है ना, वो क्या हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्राण स्पंदन के नाम से हम इसको जानते हैं। ब्लड प्लाज्मा जब फिल्टर होता है उसके अंदर 95% वाटर होता है, 2.7% यूरिया होता है,
0.3% यूरिक एसिड होता है आपका और 2% आपके सॉल्ट होते हैं। क्लियर, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। स्पीड मैंने आपको बता ही दिया था, दिस इज अ ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। क्लियर हो गया आप लोगों को? जी समझ आया, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लीवर इज द राइट वन, लीवर। चलिए अगला आंसर बताओ। यस, अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन बताओ, बढ़िया 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 बढ़िया। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए विटामिन, अगेन बता सकते हैं, इजीली बता सकते हैं हम लोग, विटामिन इनमें से कौन सा है? सिट्रिक एसिड नहीं। काफी बच्चे ए आंसर भी टिक करेंगे, वो क्यों टिक करेंगे वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, लेकिन एस्कॉर्बिक एसिड हमें सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिट्रिक एसिड जो है वो आपका विटामिन है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर, इसमें विटामिन होता है फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड इज विटामिन B9 जो के ब्लड में आरबीसीज के लिए मदद करता है, जो आफ्टर मैरिज लड़कियों को काफी खिलाने के लिए बोलते हैं फॉलिक एसिड वगैरह प्रेगनेंसी को मतलब लेने के लिए। तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, फॉलिक एसिड इज द राइट वन, फॉलिक एसिड। क्लियर, और इनमें ऐसे फूड्स जिसमें फॉलिक एसिड ज्यादा होता है, जैसे कि स्पिनच, जो आपका ये क्या कहते हैं इसको, पालक, एस्पारेगस, क्लियर, एवोकाडो और ब्रेजल स्प्राउट्स, बीफ लीवर, सो दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द फॉलिक एसिड। आंसर नंबर बी, फॉलिक एसिड इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज ए, व्हाट इज दिस बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट? अब आप लोगों ने सुना होगा हिग्स बोसोन पार्टिकल, ये वो ही है, क्लियर, हिग्स बोसोन वाला, और ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, क्लियर, सो दिस इज ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, पहले सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीन स्टेट ऑफ मैटर है, और चौथे वाली जो है आपकी है प्लाज्मा, और पांचवे वाली मैटर है आपकी बोस आइंस्टाइन, दिस इज द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी। ये देखिए जी, क्लियर, दिस इज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन बताइए, शाबाश, ज्यादा से ज्यादा आंसर करो फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है, चलो बताओ, ये तो डेफिनेशन ही है, डेफिनेशन के ऊपर है क्वेश्चन ये। देखिए जी क्या होता है, इसमें सारी ऑप्शन आपको बिल्कुल सेम लगेंगी, इसमें एक चीज याद रखना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एनर्जी यूज होती है, यह एनर्जी यूज होना मतलब एटीपी मॉलिक्यूल से, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, जिसे हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ये। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब जिसमें एनर्जी यूज तो होगी वो एटीपी मॉलिक्यूल से आएगी, अब इसमें क्या होगा, इट इज ए मूवमेंट ऑफ ए सब्सटेंस अगेंस्ट ए डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द यूज ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से, यानी कि आपके श्वसन से, श्वसन से जो है अगर आप यूज कर रहे हैं, श्वसन से ऊर्जा निकलेगी, एटीपी मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, अगर आप उसको यूज कर रहे हैं अगेंस्ट डिफ्यूजन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। ये देख लीजिए, विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द रेस्पिरेशन, क्लियर, दिस इज द आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए अगला आंसर बताओ, अगला आंसर बताइए, शाबाश, मजा आ रहा है तुम्हें, है समझ भी आ रहा है, नहीं बस बस वही चली आ रहा है, चलो जी चलो आगे आगे आगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, या फिर ए फॉर एक एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, वो वाला चल रहा है, कौन सा खेल चल रहा है यहाँ पे, हैं कभी ए लगा देते हो, कभी बी लगा देते हो, फटाफट आंसर दो इसका, शाबाश। जी देखिए जी, क्वेश्चन क्या कहता है,
ए कार अंडरगोज ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो गया, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी। अगर मैं बात कर लूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सर्कुलर मोशन में चल रहा है, अगर मैं बोल दूं स्पीड कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही वो शार्प एज के ऊपर आएगा ना यहां पे, तो उसके कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन उसको लेनी पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जांपल आपने कभी भी गाड़ी चलाई हो, मोटरसाइकिल चलाया हो, साइकिल चलाई हो, तो हमेशा जब भी आप कट से करते हैं ना, तो हमेशा थोड़ी सी आपकी जो है रेस होती है जब भी आप कट से करते हैं, वो रीजन थोड़ी सी तो एक्सेलरेट आप करते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि वो एक्सेलरेशन बिल्कुल जीरो हो जाएगी, वो ऐसा भी नहीं है वो नेगेटिव हो जाएगी, वो अलग बात है, लेकिन बात सीन ये होती है कि कुछ ना कुछ तो एक्सेलरेशन देखने को आपको मिलेगी। पॉइंट समझ आया? वो नॉन जीरो होगी बट नॉट ए कॉन्स्टेंट, ध्यान रखना वो कॉन्स्टेंट तो नहीं हो सकती, वो चेंज करेगी, कॉन्स्टेंट भी नहीं हो सकती, वो नॉन जीरो होगी, मतलब जीरो तो कभी भी नहीं हो सकती, और कुछ ना कुछ वो बदलेगी यानी कि कॉन्स्टेंट भी नहीं होगी। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी इज द करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन कभी भी जीरो नहीं हो सकती इस केस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। पॉइंट समझ आया जी? क्लियर जी? जितना शार्प, देखिए जितना कर्व शार्प होगा ना, जितना जैसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ऐसे चल रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे ही आपका कर्व आएगा ऐसे, जैसे ही वो कर्व जितना तेज होगा मतलब शार्प होगा, जितना कर्व शार्प होगा ना उतना ही वो क्या आएगा, जितना कर्व शार्प होगा उतनी ही उसकी क्या होगी, एक्सेलरेशन देखने को मिलेगी। तो आंसर नंबर सी इज द राइट आंसर, आंसर नंबर सी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए स्पीड इज कॉन्स्टेंट बट इट्स वेलोसिटी इज नॉट, बिकॉज वेलोसिटी इंक्लूड्स डायरेक्शन एंड द ऑब्जेक्ट इज डायरेक्शन एंड, देखिए सीधी सी बात है कभी भी आप चीज घुमा रहे हो ना तो स्पीड आपकी जो है वो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट नहीं होगी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है एक्सेलरेशन भी कभी कांस्टेंट नहीं होगी। क्लियर? चलिए जी अगला आंसर बताओ। टॉलरेंस लिमिट की बात आ रही है जी, टॉलरेंस लिमिट की बात आ रही है, क्वेश्चन ये कह रहा है ऑर्डिनरी एंड मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट ऑफ ए साउंड बाय ए ह्यूमन बीइंग इज, कि आप कितनी साउंड जो है सुन सकते हैं, यानी कि कितनी लाउडनेस को आप सुन सकते हैं। क्लियर जी? कितनी लाउडनेस, देखिए एक लिमिट होती है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। लोअर लिमिट यानी कि ऑर्डिनरी लिमिट होती है 60 डेसिबल, लाउडनेस आप इतनी सुन सकते हैं, और मैक्सिमम आप 80 डेसिबल सुन सकते हो। क्लियर? तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 60 to 80, आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो डेसिबल होते हैं, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस। क्लियर? बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि साउंड जो होती है वो आपकी क्या होती है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? बी ऑप्शन, 60 to 80। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन सम एंजाइम नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस आर रिक्वायर्ड फॉर इट्स फंक्शनिंग विच वी नो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स, किस नाम से हम उसको जानते हैं। ध्यान से समझो, इनमें कुछ एंजाइम में नॉन प्रोटीन सब्सटेंसेस होते हैं जो कि चाहिए होते हैं उसकी फंक्शनिंग के लिए, उसको हम किन नामों से बुलाते हैं, किन नामों से जानते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, को एंजाइम के नाम से उनको जाना जाता है। को इंजाइम, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। को इंजाइम के नाम से हम इसको जानते हैं, आंसर नंबर सी इज द राइट वन। क्लियर जी? जी, को इंजाइम के नाम से हम उसको जानते हैं, आंसर नंबर क्या बनेगा आपका? सी। और प्रोटीएज जो होते हैं ना, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले इंजाइम होते हैं, उन्हें हम प्रोटीएज कहते हैं, आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोएंजाइम्स आर द स्मॉल ऑर्गन नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल जो कि आपके मतलब लगता है और उसके साथ अटैच होता है रिएक्टेंट के साथ, वो आपका जो रिएक्शन करने में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम्स, नॉन प्रोटीन पार्ट। चलिए अगला आंसर बताइए। ग्राम्स ने मेथड ढूंढा था, प्राइमरी कलर जो स्टेनिंग मेथड में यूज होता था वो कौन सा था आपका? यस, प्राइमरी कलर जो यूज होता था स्टेनिंग मेथड में वो कौन सा था जो ग्राम ने ढूंढा था, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, ये कौन सा कलर था आपका? सो दैट कलर इज द क्रिस्टल वायलेट, दैट कलर इज द क्रिस्टल वायलेट, आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? क्रिस्टल वायलेट यानी कि इनको मिथाइलिन ब्लू के नाम से भी आप जानते हैं, अदरवाइज क्रिस्टल वायलेट के नाम से इसको जानते हैं। तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए। सो दिस इज द क्रिस्टल वायलेट। क्लियर? याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
विनेगर इन 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, देखिए विनेगर सिरका हम कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एसिटिक एसिड को कहा जाता है, 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, और ये होता है CH3COOH, जिसे हम और क्या कहते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से भी हम इसको जानते हैं, इथेनोइक एसिड के नाम से भी इसको जाना जाता है। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल शराब को कहते हैं, C2H5OH है, ये ग्लूकोज से फर्मेंटेशन तरीके से बनाया जाता है एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में बनाया जाता है और आपका प्रॉपर तरीके से ग्लूकोज जो है शराब में कन्वर्ट हो जाती है। क्लोरोफॉर्म की बात करूं, CHCl3 होता है क्लोरोफॉर्म, जब भी इसके ऊपर सनलाइट डालते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फॉस्जिन गैस में, ये फॉस्जिन गैस जो है डेंजरस होती है, दैट इज COCl2 होती है, तो ये याद रखना। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, दैट इज एसिटिक एसिड इज द राइट वन, सी ऑप्शन एसिटिक एसिड, दैट इज CH3COOH। इथेनोइक एसिड, अगला बताइए, इनमें से ऐसे कौन से पार्ट हैं जिनके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है। देखिए एक तो पता है, एक तो सबको पता है, मैन सब में है हम, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, दैट इज आपका हीमोग्लोबिन होता है, एक तो हम है ही है। दूसरा कौन सी स्पीशीज है जिसमें आपका ब्लड जो होगा वो हीमोग्लोबिन होता है, एंड दैट इज द अर्थवॉर्म। आंसर नंबर क्या बनेगा, सी। और अर्थवॉर्म किस कैटेगरी में आते हैं, एनालिड्स की कैटेगरी में आते हैं, और एनालिड्स जो होते हैं ये सेकंड सबसे बड़ा फाइलम है, सेकंड वाला सबसे बड़ा आर्थ्रोपॉड्स होते हैं और सेकंड नंबर पे एनालिड्स होते हैं। अर्थवॉर्म को हम बोलते हैं दैट इज फार्मर्स फ्रेंड, फार्मर्स फ्रेंड या फिर विलेजर्स फ्रेंड, इन नामों से बुलाया जाता है, और जो सॉइल होती है सॉइल की फर्टिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं, तो याद रखना आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। चलिए अगला आंसर बताइए, इनमें से लेप्रोसी डिजीज जो है वो मतलब कौन सी होती है, लेप्रोसी, लेप्रोसी जो होती है बैक्टीरिया के कारण होती है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण, और इसको हम और क्या कहते हैं, हैंसन्स डिजीज के नाम से जाना जाता है, हैंसन्स डिजीज के नाम से इसको जानते हैं, और इसमें जो और आपकी बीमारी है वो होती है बैक्टीरिया के कारण। आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बैक्टीरिया के कारण होती है। क्लियर हो गया आप लोगों को, जी आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी क्लियर। वायरस की बात करूं, वायरस की स्टडीज को हम क्या कहते हैं, वायरोलॉजी, और इसके फादर कौन है, जनक कौन है, इवानोवस्की, टोबैको मोजेक वायरस पहला ढूंढा गया था, टोबैको हमारे इंडिया में कौन लेके आया था, डेट वॉज पोर्तुगीज लेके आए थे, लेकिन जहांगीर ने इसके कंजम्पशन को बैन किया हुआ था। क्लियर, और वायरस क्या होते हैं, कनेक्टिव लिंक बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, फंगस की स्टडी को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी, हैंसन डिजीज इज लेप्रोसी। क्लियर, सो ये क्रोनिक इन्फेक्शन होती है बैसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्रे के कारण, डिसेबिलिटी हो जाती है, हाथ पैर जो है चलने फिरने बंद हो जाते हैं, हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, तो ये सारी चीज होती है आपकी लेप्रोसी में। चलिए अगला आंसर बताइए, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया, वेरी गुड, टोबैको बोर्ड ऑफ इंडिया इज इन द गुंटूर आंध्र प्रदेश। चलिए अगला आंसर बताइए, शाबाश। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स द कार्बन कैन बी प्रूव्ड बाय इंट्रोडक्शन इन द गैस ए बर्निंग, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को के अंदर कार्बन है वो कैसे प्रूव किया जाता है, जब हम किस चीज को जलाते हैं, दैट इज द मैग्नीशियम वायर को। आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ये मेथड है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, जब भी हम मैग्नीशियम को 2Mg इसको हम कार्बन डाइऑक्साइड में जलाते हैं आपका, तो ऑब्वियसली बात है आपका मतलब पता लग जाता है हमें, क्योंकि इसमें कार्बन निकल आता है, 2MgO बन जाता है, प्लस कार्बन का कॉन्टेंट बन जाता है इसमें, तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन। क्लियर, इसके अंदर जो है कार्बन होता है, क्योंकि अगर हम मैग्नीशियम वायर के साथ इसको जलाते हैं। क्लियर, करें आगे जी, चलिए अगला आंसर देखिए। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आगे बहुत सारे क्वेश्चन और भी हैं, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, कल आज रात भी है और कल रात 12 बजे तक जो मेरा पेड कोर्स है 10,000 MC की कोर्स, उसको आप परचेज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज में, स्टडी IQ ऐप और हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है।
और इसमें एक कोड लगा लेना वीआईपी फ्लैश, तो आप ये कोड लगाएंगे तो ये जस्ट कोर्स आपको 999 रुपीज में मिलेगा 15 अगस्त के अवसर के ऊपर, ये चीज आपको मिल रही है। और 15 अगस्त के बाद अगर देखा जाएगा तो शायद मैं कभी दिवाली के टाइम पे दूंगा, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं आपको पहले बता दूं। तो ये आपका सुनहरी मौका है, तो 999 रुपीज में 10,000 MCQ सारा का सारा आपको मिलेगा, तो एक साल के लिए आप परचेज कर सकते हैं। कल इसका लास्ट डे है, क्लियर, याद रखना कल रात 12 बजे तक अवेलेबल होगा। चलिए जी अगला आंसर देखिए, शाबाश, अगला आंसर बताइए जी, शाबाश। बोटुलिज्म जो होता है वो क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोटुलिज्म, बोटुलिज्म क्या होता है, बहुत रेयर है, सीरियस कंडीशन है आपकी, यस बिल्कुल सही, व्हाट इज बोटुलिज्म, दिस इज ए, ये तो दो बार लिख दिया, दिस इज ए फूड पॉइजनिंग, एक्चुअली ए और बी दोनों ही है, कोई भी लिख लीजिए, दैट इज फूड पॉइजनिंग होती है बोटुलिज्म, क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आंसर नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, क्लियर हो गया आप लोगों को जी। कई बार क्या होता है कि आपकी जो मतलब चोट लगी होती है उसमें बैक्टीरिया घुस गए, या फिर बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्वेलिंग में दिक्कत आती है, मतलब खाना पीने में, आपकी स्पीच उल्टा सीधा हो रही है, और आपकी आंखों से जो है पानी निकल रहा है, दिखना कम हो रहा है, मसल्स वीक हो रही हैं, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट इज द बोटुलिज्म सिम्टम्स, क्लियर, याद रखना। चलिए अगला आंसर बताइए, सो दीज आर द सिम्टम्स। अगला क्वेश्चन देखिए जी, सो क्वेश्चन है, इट्स कॉल्ड पुलिकुलम, पुलिकुलम जो है एक इंडिजिनियस ब्रीड है, किस चीज की, इनमें से किस चीज की ब्रीड है ये, दैट इज पुलिकुलम इज अ ब्रीड ऑफ, किसकी ब्रीड है ये, यस बता सकते हैं आप लोग, बताइए बताइए बताइए, पुलिकुलम, एनीवन, ये एक चीज आपको बता दूं, ये तमिलनाडु में होती है, ठीक है, आपको पता है जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है तमिलनाडु में, उसमें यूज किया जाता है, अब तो बता दो, अब तो मैंने बहुत बड़ा हिंट दे दिया, जल्लीकट्टू यार इसमें तो बता दो यार, ऐसे भी नहीं है, यस बिल्कुल सही, इट्स ए बफेलो, तो आंसर नंबर ए बफेलो, ए किसने आंसर सही दिया था, ये गीता ने, प्रीति ने, राधिका ने, अरे सारी लड़कियों ने आंसर, हिमांशु ने भी सही आंसर दिया है, हिमांशु और राधे श्याम ने भी आंसर सही दिया है, बिल्कुल सही, चलिए बढ़िया 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 जी, आंसर नंबर ए बफेलो इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पुलिकुलम। चलिए अगला आंसर बताइए, ये क्वेश्चन कभी शायद नहीं सुना होगा आप लोगों ने, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इफेक्ट या कौन सा मॉडल या कौन सी थ्योरी हमें बताती है, डैश स्टेट्स दैट हॉट वाटर फ्रीजेस फास्टर देन द कोल्ड वाटर, मतलब जो गर्म पानी होता है वो जल्दी जो है जम जाता है कंपैरिजन टू द कोल्ड वाटर, ऐसा किस में देखने को आपको मिलता है, एंड दैट इज कॉल्ड आपका दैट इज कॉल्ड मपम्बा इफेक्ट जिसे हम कहते हैं, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी मपम्बा इफेक्ट इज द राइट आंसर, आंसर नंबर बी इज द राइट वन, क्लियर हो गया आप लोगों को, आंसर नंबर बी। हिलियोसेंट्रिक जो कॉपरनिकस ने बताई थी कि सन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, क्लियर, बिग बैंग थ्योरी मतलब यूनिवर्स जो बना है वो बिग बैंग थ्योरी के कारण बना है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज मपम्बा इफेक्ट, हॉट वाटर फ्रीजेस देन द कोल्ड वाटर। चलिए अगला आंसर बताइए, बढ़िया बताइए जी बताइए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है ना तुम लोगों को पढ़ के, ये बताओ बस, मजा आ रहा है तुम लोगों को पढ़ के, है समझ आ रहा है कि क्या चल रहा है। चलिए जी क्वेश्चन देखिए जी, अगला क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इनमें से कौन सा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, आंसर नंबर डी कोई भी नहीं, मतलब सारे के सारे लॉ हैं थर्मोडायनेमिक्स के, आंसर नंबर क्या बनेगा, डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अब देखिए जी जीरोथ लॉ क्या कहता है कि ये क्या कहता है कि मतलब अगर दो बॉडीज हैं ए एंड बी थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं और विद द सी, ए और बी की जो इक्विलिब्रियम में होंगे मतलब ए और बी इक्विलिब्रियम में होंगे अगर सी भी इक्विलिब्रियम में है, दैट इज जीरोथ लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जो नेट चेंज है टोटल एनर्जी का वो आपका इक्वल होता है जो भी आप हीट ऐड कर रहे हैं, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
टोटल एनर्जी की बात करते हैं यहां पे। सेकंड लॉ की अगर मैं बात करता हूं, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और इसमें जो एंट्रोपी होती है वो यूनिवर्स की इंक्रीज करती है। थर्ड लॉ में हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी जो होती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंतर्गत जीरो हो जाती है, एब्सोल्यूट जीरो के ऊपर। क्लियर, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए जी, सो सारे के सारे लॉस थे आपके थर्मोडायनेमिक्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी डिजीज हो जाती है जहां पे जर्म्स जो होते हैं वो एंटर कर जाते हैं अगर जो मतलब जो वून है यानी कि जख्म है वो खुला हुआ है, उसमें सारे चीजें घुस जाएंगी, एंड दैट इज कॉल्ड टैटनस। टैटनस को हम क्या कहते हैं, लॉक जॉ। क्लियर, और ये होता है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई के कारण। ये बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी हम कई बार क्या होता है कि हम फर्श पे गिर जाते हैं, ब्लड निकलने लग गया, ठीक है, तुरंत आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना चाहिए। कई बार क्या होता है, आप खेल खेलते हैं ग्राउंड में हैं तो वहां पे गिर गए, तब भी आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। रीजन बीइंग, क्योंकि उसमें एक जर्म होता है क्लॉस्ट्रिडियम टैटनाई बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है आपका बॉडी में घुस जाता है और नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, और आपका जो दांत होता है ना इस तरीके से ऐसे बंद हो जाते हैं, खुलते नहीं है। क्लियर, और उसमें डेथ होती है, मैं आपको बता दूं तो दिस इज ए सीरियस प्रॉब्लम। क्लियर, सो टैटनस का इंजेक्शन लेना बहुत जरूरी होता है, लॉक जॉ के नाम से भी इसको हम जानते हैं। क्लियर जी, कॉन्ग्रेचुलेशन अरुण, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नेक्स्ट जो भी आप दे रहे हैं, ठीक है। और एयरफोर्स एंड एयरफोर्स डे कब होता है बता सकते हैं आप लोग? एयरफोर्स डे दैट इज 8th of October and Navy Day is on the, that is 4th of December and Army Day is 15th of Jan, 15 January, clear? So this is very important, again मैंने कुछ points ऐसे ही बता दिए, बीच में एक बच्चे के message आ रहे हैं, so very good, good luck, चलिए जी बहुत बढ़िया। चलो जी आगे देखते हैं, मलेरिया की मैं बात करता हूं तो मलेरिया जो होता है आपका फीमेल एनोफ्लीज जो मच्छर होता है ये इसको फैलाता है। क्लियर, और जो है पैरा दिस इज द प्रोटोजोअल प्रॉब्लम, और मलेरिया में आरबीसी और लीवर के ऊपर जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर, ट्यूबरकुलोसिस की अगर मैं बात करता हूं तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई ये बैक्टीरिया होता है आपका जिसके कारण ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों को, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो है तभी हम कहते हैं कि दूध जो होता है गर्म करके पीना चाहिए। अगर बोवाइन एनिमल्स जो दूध देने वाले एनिमल्स होते हैं उनके ब्लड और उनके बॉडी में जो ब्लड सॉरी जो मिल्क निकल रहा है अगर वो हम पी ले और वो उसके अंदर ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया हो तो हम हमारी डेथ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दैट्स व्हाई पाश्चराइजेशन करी जाती है, पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क। क्लियर, पाश्चराइजेशन में क्या होता है 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट ये टेम्परेचर मेथड, और 71.7 डिग्री फॉर 15 सेकंड ये टेम्परेचर मेथड देखने को मिलते हैं। टाइफाइड की अगर मैं बात करता हूं, टाइफाइड को हम क्या कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी के कारण, साल्मोनेला टाइफी के कारण जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है टाइफाइड। क्लियर, और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट याद रखना, आंसर नंबर वन टेटनस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला आंसर बताइए, इनमें से मलेरिया जो है वो कौन करता है? अभी मैंने आपको बताया है मलेरिया फैलाने वाला फीमेल एनोफ्लीज है, लेकिन ये प्रोटोजोअल प्रॉब्लम होती है, ये प्रोटोजोआ की प्रॉब्लम होती है, तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी इज द करेक्ट आंसर, प्रोटोजोआ। यस, और मलेरिया में आरबीसी और लीवर के ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बाकी आपको मैंने बता दिया है। क्लियर, फीमेल एनोफ्लीज मच्छर फैलाता है, ये याद रखने वाला पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, पोटोमीटर जो है वो किस चीज को मेजर करता है? पोटोमीटर, पोटोमीटर जो है यूज किया जाता है किस चीज को मेजर करने में? पोटोमीटर जी, पोटोमीटर जो है आपका किस चीज को मेजर करने में यूज करते हैं? सो पोटोमीटर जो है आपका मेजर करते हैं ट्रांसपीरेशन में। क्लियर, ट्रांसपीरेशन में मदद करने में आपकी मदद करता है। एक्चुअली क्या होता है, पत्ते से पानी का उड़ना, डेट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन, और उसमें आपका पोटोमीटर इस्तेमाल किया जाता है। एयर वेलोसिटी को मेजर करने के लिए आपको पता है एनीमोमीटर, एनीमोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर, दैट्स इट, तो आपको याद रखना है आंसर नंबर डी, ट्रांसपीरेशन इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसपीरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पैंक्रियाटिक जूस किस तरीके का जूस होता है? यस, बता सकते हैं आप लोग, पैंक्रियाटिक जूस जो होता है
ये किस टाइप का जूस होता है जी, किस टाइप का जूस होता है? पैंक्रेटिक जूस जो होता है एक्चुअली इट्स ए एल्कलाइन, क्योंकि इसके अंदर जो है बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, याद रखें बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, जिसके कारण जो है ये अल्किया होता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अल्कलाइन, क्षारीय जिसे हम कहते हैं जी, अल्कलाइन इन नेचर होता है। लेकिन अदरवाइज पैंक्रेटिक जूस को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहा जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस। व्हाई कंप्लीट डाइजेस्टिव? क्योंकि ये तीन एंजाइम होते हैं इसमें, एक होता है एमिलेज, क्लियर, एक होता है लाइपेज और एक होता है ट्रिप्सिन। क्लियर? एमिलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, लाइपेज फैट को डाइजेस्ट करता है, ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है आपका। क्लियर? याद रखें। तो दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस, आंसर नंबर बी। एल्कलाइन इज द करेक्ट आंसर, एल्कलाइन। सो दिस इज एल्कलाइन। चलिए अगला आंसर बताइए, व्हाट इज कैसीन? कैसीन क्या होता है? व्हाट इज कैसीन? कैसीन क्या होता है? कैसीन इज ए मिल्क प्रोटीन, आंसर नंबर बी। और आपको मैंने बताया था दूध में एक प्रोटीन होता है, दैट इज कैसीन, और कैसीनोजन से कैसीन कन में कन्वर्ट किया जाता है आपका, ठीक है। और इसमें एंजाइम कौन सा काम करता है? रेनिन। और ये होता कहां पे है? सारा कुछ स्टमक में। बच्चे का आपने देखा होगा, बच्चे के अंदर रेनिन एंजाइम बहुत एक्टिव होता है। जब भी बच्चा दूध पीता है ना, दूध तुरंत निकाल देता है, मदर मिल्क पे या वैसे मिल्क पे तुरंत निकालता है, और तुरंत निकालता है ना तो उसमें दही की फॉर्म में वो निकलता है। वो दही की फॉर्म जो होती है डेट इज कैसिनोजन और कैसिन, जिसे हम योगर्ट कहते हैं, याद रखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर बी। मिल्क शुगर जो होती है वो कौन सी होती है? लैक्टोज। क्लियर? और मिल्क बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस, जो दूध को दही में कन्वर्ट करने में वगैरह सब चीजें बनाने में आपका हेल्प करता है। सो ये तो आपको वैसे याद नहीं करना, वे प्रोटीन एंड जो है कैसीन प्रोटीन, आपको डेट्स इट, बस इतना कम याद रखो, इसको ज्यादा बेटर है। चलिए जी अगला क्वेश्चन बताइए, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इन इलास्टिक कोलिजन, देखिए इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है? जब भी कोलिजन का मतलब होता है दोनों में आपस में झड़प, मतलब ऐसे बैठ जाना, ठीक है। एक होता है इलास्टिक, होता है इन इलास्टिक। इलास्टिक में टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है, जो पहले थी वही एंड में है। लेकिन इन इलास्टिक का मतलब होता है कि जब पहली एनर्जी होती है वो एंड वाली एनर्जी से डिफरेंट होती है। पॉइंट समझ आया? स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में अलग एनर्जी, एंड जब सारा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो एंड में एक डिफरेंट एनर्जी होती है, तो दैट इज कॉल्ड इन इलास्टिक कोलिजन। क्लियर? इसमें मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व रहता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, एनर्जी आपकी अलग अलग हो जाती है इसके अंतर्गत। क्लियर हो गया आप लोगों को जी? तो अब देखिए जी, इन इलास्टिक कोलिजन क्या होगा? द काइनेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंट रहेगी, गलत, वो तो इलास्टिक होता है। इंपैक्ट इज इक्वल, गलत, इंपैक्ट इक्वल नहीं होगा। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी बिफोर इंपैक्ट इज, नहीं, लेस देन नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी इज मोर बिफोर द इंपैक्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज लेस आफ्टर द इंपैक्ट, आंसर नंबर डी। यस, जब वो स्टार्टिंग में आपकी मतलब कोइंसाइड करने जा रही है तब एनर्जी ज्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब वो इफेक्ट लग जाएगा, यानी कि सारा इफेक्ट हो जाएगा, एंड में आपकी काइनेटिक एनर्जी कम रह जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड आपकी इन इलास्टिक कोलिजन, उसे हम कहते हैं, आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ नहीं आपको याद करना, बस ये याद रखना काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, बट मोमेंटम कंजर्व रहता है यहां पे। चलिए अगला आंसर बताओ, अगला आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो कौन सी हैं आपकी? यस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बताइए बताइए बताइए, शाबाश। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं इनमें से कौन सी हैं आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बता सकते हैं आप लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यस, साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक, अल्फा वेव्स, इनमें से कोई भी जो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो आंसर नंबर डी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट वेव होगी, रेडियो तरंगे होगी आपकी, क्लियर? यस, सो ऑल दीज आर, अल्ट्रावायलेट होगी, सो दीज आर द एक्सरे होगी, दीज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होती है ना, ये आपकी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स, जिनको हम पोलराइज कर सकते हैं। साउंड अल्ट्रासोनिक तो नहीं हो सकती, अल्फा भी नहीं है, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, अल्फा डी। क्लियर? चलिए अगला देखिए जी, हाइग्रोमीटर जो होता है वो किस चीज को मेजर करने में आपका मदद करता है?
हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर जो होता है ये ह्यूमिडिटी को मेजर करने में हमारी मदद करता है, तो यहां पे तो है ही नहीं ऑप्शन, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर ए ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, हवा के अंदर जो है कितने ड्रॉपलेट्स आपके पानी के देखने को मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी दो टाइप की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कि कितनी है एक्चुअल में कितनी है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। एक होती है रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इस रूम में कितनी है उस रूम में कितनी है, दो कंपैरिजन आ जाए, इस रूम में कितनी है और इस रूम में कितनी आ सकती है, जब कंपैरिजन आ जाए तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्लियर, याद रखें। एयर प्रेशर को मापने के लिए जो यंत्र होता है दैट इज कॉल्ड बैरोमीटर। बैरोमीटर को ढूंढा किसने था, टॉरी सेली ने ढूंढा था। क्लियर, बैरोमीटर प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, पास्कल बार, सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ द आपके प्रेशर के। क्लियर, एक चीज आपको मैं बता दूं, कई बार आप जैसे खाना बनाते हैं, जो आपने भी देखा होगा कभी किया हो, सब्जी खानी हो फटाफट अच्छा स्वाद वाली चीज बन रही हो, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप लोगों ने वो कुकर का वो प्लेट उठाई तो हल्की सी हवा निकलती है और यहाँ पे जब हाथ पे लगती है ना तो छाले हो जाते हैं और मजा आ जाता, मजा तो नहीं कहूंगा मैं, और ऐसी लगती है ना तो लगता है कि पता नहीं क्या हो गया हमारे साथ। एक्चुअली रीजन क्या होता है कि उसमें जो स्टीम होती है ना, स्टीम उसमें होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब छुपी हुई हीट है जिसकी हीट एनर्जी बहुत ज्यादा है, लेटेंट हीट बहुत ज्यादा है। क्लियर, सो दैट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हो गया आप लोगों को, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी। चलिए अगला आंसर बताइए जी क्योंकि सर ने भी किया है तभी तो पता है, सीधी सी बात है, सर ने भी ऐसे काम बहुत किए हैं, अभी भी कभी कभी कर लेते हैं लेकिन लगती बहुत जोर से है, लेकिन उसका उसके बाद खाने का स्वाद अलग ही आता है, जब लग जाती है ना गरम गरम तब अलग ही मजा आता है उसका। फिर चलिए अगला आंसर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कंट्रोलर रॉड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर, दैट मींस क्या है आपका कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स का मतलब ये है जो न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करे, न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करे, क्योंकि न्यूट्रॉन्स अगर कंट्रोल हो गए तो रिएक्शन भी कंट्रोल हो जाएगी, रिएक्टर भी कंट्रोल में आ जाएगा। पॉइंट समझ आया आप लोगों को, और उसमें हम दो चीजें यूज करते हैं, बोरोन और कैडमियम रॉड्स, बोरोन और कैडमियम रॉड हम यूज करते हैं, तो ऑप्शन इसमें क्या बनेगा आपका, ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, कैडमियम रॉड। कैडमियम की अगर आप कंजम्पशन ज्यादा कर लेना तो इटाइटाई डिजीज हो जाती है, इटाइटाई डिजीज। यूरेनियम और प्लूटोनियम तो आपके क्या है, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूल है, ये फ्यूल यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो एनर्जी मतलब रिएक्शन होती है वो किस तरीके की होती है, फिजन रिएक्शन। फिजन का मतलब क्या होता है, विखंडन, और इसको हम कंट्रोल वे में कर सकते हैं, कंट्रोल्ड फिजन रिएक्शन देखने को हमें मिलती है। तो आंसर नंबर क्या बनेगा आपका, ए कैडमियम इज द करेक्ट आंसर, कैडमियम। चलिए अगला आंसर बताइए यस ये क्वेश्चन जो है आपके लिए होमवर्क है, मैं पीडीएफ में इसका आंसर दूंगा लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, व्हाट इज द कंडीशन फॉर द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऑफ ए फ्लोटिंग बॉडी, मतलब क्या हो गया कि अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसका जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम पोजीशन वहां पे कहां पे आएगी, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कि जो उसका मेटा सेंटर है वो बराबर होगा, बिलो होगा, अबव होगा, क्या होगा, तो ये कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन देखिए जी क्या कहता है, एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, थर्मोडायनेमिक्स की हमने अभी बात करी थी, थर्मोडायनेमिक्स की, थर्मोडायनेमिक्स में हमने बात क्या करी थी कि थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ क्या होता है कि एनर्जी जो होती है वो आपकी कंजर्व रहती है, तो दैट मींस हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आंसर नंबर क्या बनेगा, सी ऑप्शन, एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी यहां पे। क्लियर हो गया आप लोगों को जी, एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, समझ आया, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, एनर्जी कांस्टेंट। चलिए अगला आंसर बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन दैट इज एनीमिया, आयरन की कमी से एनीमिया, ब्लड लॉस, ब्लड की कमी होने लग जाना, तो आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। क्लियर,
टेटनाई जो होती है ये कैल्शियम की कमी के कारण देखने को मिल सकती है आपको। बेरी बेरी विटामिन बी वन थियामिन की कमी से, क्वाशियरकर प्रोटीन की कमी से, बच्चों में रोग हो जाता है प्रोटीन से कमी से। आंसर नंबर डी एनीमिया इज द करेक्ट आंसर, एनीमिया आयरन। इनमें से कौन सा फॉर्म नहीं है कार्बन का, कार्बन का फॉर्म कौन सा नहीं है। सभी नेचर में देखें हर चीज जो है आपकी कार्बन की बनी हुई है। ग्रेफाइट इज द एलोट्रॉप ऑफ द कार्बन, क्लियर, जो के मॉडरेटर की तरह यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में और जो है ये फर्नेसेस वगैरह में लुब्रिकेंट के रूप में हम यूज कर लेते हैं। चारकोल इज ऑल्सो द फॉर्म ऑफ द कार्बन। सूट जो मतलब हम कह दें कि थोड़े बहुत पार्टिकल्स जो एयर ड्रॉप पार्टिकल्स जो आपके चलते हैं तो वो भी आपका पार्ट इसमें आता है सूट। यस हेमेटाइट इज नॉट द फॉर्म ऑफ द कार्बन, हेमेटाइट इज द ओर ऑफ आयरन। सो दिस इज द अयस्क, आयरन का अयस्क है हेमेटाइट, क्लियर। लेमनाइट, साइड्राइट, आयरन पायराइट, क्लियर, और मैग्नेटाइट। सो दिस दीज आर द ओर्स ऑफ द आयरन, क्लियर। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, हेमेटाइट इज द करेक्ट वन। चलिए अगला आंसर बताइए। बैक्टीरियल डिजीजेस आर फाउंड इन, बैक्टीरियल डिजीजेस किसमें होती हैं। बैक्टीरिया की बात करूं प्लांट्स में भी हो सकती हैं, एनिमल्स में भी हो सकती हैं, हमारी बॉडी में भी हो सकती हैं, सभी में हो सकती हैं बैक्टीरियल डिजीजेस, तो सभी इसका आंसर बनेंगे। पॉइंट समझ आया आप लोगों को जी। हमारी बॉडी में तो बहुत सारे हैं, टाइफाइड ले लो, डायप्थीरिया ले लो, क्लियर, सिफिलिस ले लो, सो ऑल दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। आंसर नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर डी। अगला बताइए, इनमें से डायकॉट सीड कौन सा होता है। डायकॉट सीड का मतलब यह होता है जिसमें दो सीड्स हो, डायकॉटिलीडॉन्स, डायकॉटिलीडॉन्स। एक होते हैं मोनोकॉटिलीडॉन्स जिसमें एक ही सीड निकलता है आपका, समझ आया। सो ऑल दीज ऑल बोथ आर द पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के अंतर्गत देखने को हमें मिलते हैं आपके। सो डायकॉट सीड इसमें कौन सा है, दो होते हैं मेनली, जैसे पल्सिस की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, और ग्राम की अगर मैं बात करूं, चना की अगर मैं बात करता हूं, तो उसमें भी क्या है आपका डायकॉट सीड्स होते हैं। तो आंसर इसमें क्या बनेगा, दालें और आपका दालें एंड चना। तो आंसर नंबर डी इज द सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर नंबर सी। सो दीज आर द, देखो मोनोकॉट्स हैं और ये डायकॉट्स हैं। मोनोकॉट में वन कॉटिलीडॉन एक ही बीज निकलता है, दो डायकॉट में दो निकलते हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। इनमें से बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीज देखने को मिलती है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये होता है जो एंजाइमेटिक एक्शन द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा आपके जो है खत्म करी जा सकती हो, क्लियर, वो बायोडिग्रेडेबल होती है। और एक होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्लियर, जो कि खत्म नहीं की जा सकती नेचर के अंतर्गत। सो कौन सी है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल, कौन सी होती है। सो पेपर की बात करूं, एल्यूमिनियम, डीडीटी, प्लास्टिक, सो पेपर यहां पे क्या है बायोडिग्रेडेबल होता है, बाकी जो चीजें हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। पेपर जो है आपका बायोडिग्रेडेबल है और पेपर सीधी सी बात है, दैट्स इट। एल्यूमिनियम की अगर मैं बात करता हूं, एल्यूमिनियम की ओर है आपकी बॉक्साइट और कोरंडम। सो दीज आर द ओर्स ऑफ द जो है आपके एल्यूमिनियम की। और एल्यूमिनियम अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला सबसे ज्यादा मेटल देखने को मिलता है एल्यूमिनियम। डीडीटी की अगर मैं बात करता हूं तो डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन, सो दिस इज द पार्ट ऑफ द डीडीटी, क्लियर। प्लास्टिक ऑल्सो आर द नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पेपर। चलिए अगला आंसर बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बढ़िया, थ्रू द फोटोसिंथेसिस एट लीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन द अर्थ इज कैरिड आउट बाय, सो दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। कार्बन डाइऑक्साइड की जो आपकी जो फिक्सेशन होती है आधी से ज्यादा वो इनमें से कौन करते हैं, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एल्गी। देखिए ब्रायोफाइट्स जो होते हैं आपके एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, जिम्नोस्पर्म्स में नेकेड सीड्स होते हैं आपके, एल्गी इज द पार्ट जिसके अंतर्गत जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन देखने को मिलती है, जो नेचर की आधी से ज्यादा एल्गी करती है। एल्गी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहा जाता है।
फाइकोलॉजी. सो आंसर नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फाइकोलॉजी. सो गाइस ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन. आई होप आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत चीजें सीखी होंगी, जानी होंगी. अच्छे लगा तो शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर देना, कमेंट करना कैसा लगा आपको लेक्चर. और उससे बढ़ने से पहले जिस तरीके से आज हमने साइंस के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज हमने एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, और बहुत सारी चीजें प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज और जो है मॉक टेस्ट वगैरह बच्चों के साथ मैं डिस्कस करता हूं कहां पे, हमारे 10,000 एमसीक्यू कोर्स में. और इसको परचेज करने के लिए अगर आप आज रात और कल रात यानी कि कल रात 12 बजे तक अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये कोर्स जस्ट आपको 999 रुपीज में मिलेगा, जस्ट फॉर द इंडिपेंडेंस डे. बहुत बड़ा दिन है, 75 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं आजादी के, तो मेरा कोर्स भी बहुत लो प्राइस पे मैंने रखा है फॉर यू कि आप इस आजादी को, इस चीज को आप इंजॉय करें, पढ़ाई भी करें और सब चीजें करें. क्लियर? सो ये जो कोर्स है आप इसमें कोड लगा लेना VIP फ्लैश. अगर आप ये कोड लगाएंगे तो आपको ये कोर्स जस्ट 999 रुपीज में मिलेगा, एक साल के लिए मिलेगा. तो इसको लगाओ, परचेज करो, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाओ. बहुत सारी चीजें हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बहुत सारा कुछ है. प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज, इंडिया का कोई भी एग्जाम हो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे. क्लियर? और भी करता रहता हूं मैं डेली की डेली, कुछ ना कुछ मैं डालता रहता हूँ यहाँ पे. और ये कोर्सेज आप कहां से ले सकते हैं? StudyIQ ऐप पे, जहां हमारी वेबसाइट studyiq.com. जैसे ही आप इसको ओपन करोगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा होम पेज, यहां पे दिखेगा सर्च बार, सर्च बार में डाल देना 10,000, तो आपको एक कोर्स नजर आ जाएगा. क्लियर? अदरवाइज आपको बेस्ट सेलिंग कोर्स में आपको व्यू ऑल करके नजर आ जाएगा. यहाँ पे जस्ट लॉन्च का बटन होगा उसके अंदर भी क्लिक करके आपको नजर आ जाएगा, तो आप कोर्स परचेज करें, अपनी प्रेपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं. ये मॉक टेस्ट हमारे आते कहां पे? अगेन 10,000 एमसीक्यू कोर्स में. बहुत डिटेल में हम थोड़े से हाई लेवल एमसीक्यूज में डालता हूं ताकि आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए. सारे अपडेट्स वगैरह आपको कहां पे मिलते हैं? हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर विपन गोयल के नाम से. मेरे साथ यहां पे 1,40,000 प्लस बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके यहां पे जुड़ सकते हैं. क्लियर? बाकी आप मुझे फेसबुक के ऊपर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आप फॉलो कर सकते हैं. कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. आप मुझे पेपर भेजें, जो भी आपका एग्जाम होता है इंडिया का, किसी लेवल पे भी है आप हैं, तो यहाँ पे मुझे आप मेल करें अपना पेपर, अपना क्वेश्चन पेपर. क्लियर? और एक चीज आपको मैं बता दूं, काफी बच्चे आप में से जो है IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं. अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, प्री प्लस मेंस की कोचिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारा UPSC IAS का कोर्स आप ले सकते हैं. इस कोर्स के अंतर्गत जो है 1-to-1 मेंटोरशिप, प्रीलिम्स, मेंस, सब चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं. ज्ञानवाणी सेशन जो ऑफिसर्स हैं वो भी आपको आके इसमें जो है आपको बताएंगे किस तरीके से आपको जो मेंटल प्रेशर आपको कम करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें हैं, सब चीजें यहाँ पे आपको मिलेंगी. क्लियर? तो आप में इसमें कोड लगा लेना VIP लाइव, तो ये कोर्स जस्ट आपको 17499 में मिल जाएगा. UPSC का कोर्स 17499. क्लियर? VIP लाइव कूपन कोड आपको यूज करना है. मैं रिपीट कर देता हूँ, VIP लाइव अगर आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हैं तो. क्लियर? बहुत सारे बैचेस हैं, पूरा दिन कोई ना कोई बैच है आपका, तो आप किसी भी बैच में इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे. क्लियर? और अगेन जाने से पहले, सो 10,000 एमसीक्यू कोर्स सबसे लोएस्ट प्राइस एवर 999 में एक साल के लिए आपको मिलेगा, तो इसको लेना मत भूलना. क्लियर? सो याद रखें, अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें. अगर आपने कोर्स खरीद रखा है, वैलिडिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, तब भी आप इसको वैलिडिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसमें कोड लगा लेना हमारे 10,000 में VIP फ्लैश. क्लियर? सो गाइस थैंक यू सो मच, अच्छे से पढ़े, अच्छे से तैयारी करें. गुड लक, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद.